नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में जितना जिक्र करा जाए उतना कम है। यदि आज के समय में आप किसी को कहते हो कि मैं आजाद भारत का एक नागरिक हूं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय भगत सिंह जैसे महापुरुषों को ही जाता है। तो आज के इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, भगत सिंह की परवरिश उस माहौल में हुई थी जहां क्रांति की आबो हवा थी, जिनके दालान पर बगावत की चर्चाएं थी, जिनके जज्बे की बुनियाद में फरियाद नहीं बल्कि जुल्म से टकरा जाने की सरगोशियां थी। आज के इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आज के युवाओं को कहना चाहूंगा कि आज के इस कहानी को आप पूरा सुनना, क्योंकि ये कहानी आप लोगों के लिए ही है। यदि भगत सिंह चाहते तो वो भी अपना जिंदगी किसी तरह से काट लेते, लेकिन क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने क्रांतिकारी का रूप धारण किया? क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगत सिंह क्रांतिकारी कैसे बने, और हम ये भी चर्चा करेंगे कि भगत सिंह का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ या फिर क्या कुछ है, सब कुछ बताता हूँ। बता दूं कि भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब सूबे के लोयलपुर जिले के बंगा गांव में होता है। बता दूं कि भगत सिंह के जन्म के बाद उसकी दादी माँ उसका नाम रखती है भागु वाला, जिसका की अर्थ होता है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। लेकिन उसके दादी माँ को क्या पता था कि ये भगत सिंह एक दिन पूरे भारतवर्ष का भाग्य बदल कर रख देगी। भगत सिंह के दादाजी का नाम अर्जुन सिंह, भगत सिंह के पिताजी का नाम किशन सिंह, और भगत सिंह के माताजी का नाम बताया जाता है कि विद्यापति कौर था। बता दूं कि भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह और भगत सिंह के चाचा या फिर भगत सिंह के पिताजी, हर कोई इस देश को आजाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बताया जाता है कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को इस देश से बाहर निकाल दिया जाता है। भगत सिंह के दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह को जेल में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो जेल में ही अपना दम तोड़ देते हैं। भगत सिंह बचपन से ही देखे थे कि क्रांति क्या होती है, भगत सिंह बचपन से ही देखे थे प्रताड़ना क्या होती है, और भगत सिंह बचपन से ही उस माहौल में पल बढ़ रहे थे जिस माहौल में कि हमेशा क्रांतिकारियों की ही बात होती थी। बता दूं कि भगत सिंह के दादाजी, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का एक भी निशान इस देश पर रहे, उनके दादाजी चाहते थे कि अंग्रेजों का एक एक निशान मिटा दिया जाए। बता दूं कि भगत सिंह, जिनका उम्र जब 4 से 5 साल के बीच होता है, तो परिवार में चर्चा चलती है कि अब भगत सिंह का पढ़ाई शुरू करवाया जाना चाहिए। बता दूं कि भगत सिंह के दादाजी कहते हैं कि भगत सिंह का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में मत करवाना जिस स्कूल का नाम किसी अंग्रेज से जुड़ा हो। और बताया जाता है कि भगत सिंह के दादाजी जो कि आर्य समाज के स्कूल में भगत सिंह का एडमिशन करवा देते हैं। अब बता दूं कि भगत सिंह यदि आर्य समाज के स्कूल में एडमिट नहीं होते तो कहीं ना कहीं भगत सिंह के अंदर क्रांतिकारी वाला जो भावना था वो बना नहीं रहता। जिन दिनों में हमारा भारतवर्ष गुलाम था उन दिनों में अंग्रेजों का स्कूल तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ कहीं कहीं गुरुकुल भी था जहां पर कि भारत के कुछ गरीब बच्चे पढ़ा करते थे। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गुरुकुल में केवल वही बच्चे पढ़ते थे जिनके परिवार वाले क्रांतिवीर हुआ करते थे। दरअसल बता दूं कि भगत सिंह के दादाजी जो कि चाहते थे कि भगत सिंह जो कि क्रांतिकारी निकले और उनके अंदर वो क्रांतिकारी विचारधारा पैदा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसका एडमिशन जो कि आर्य समाज के एक स्कूल में करवाया। अब बता दूं कि भगत सिंह का एक छोटा सा कहानी है। जब भगत सिंह 5 साल के थे, बताया जाता है कि भगत सिंह अपने पिता किशन सिंह के साथ एक दिन नंदकिशोर मेहता जी के खेत पर पहुंचते हैं, और उसके बाद नंदकिशोर मेहता और जयकिशन सिंह जो कि आपस में बातचीत करने लगते हैं। चूंकि नंदकिशोर मेहता जो कि जयकिशन सिंह के दोस्त थे, तो आपस में वो दोनों बात करने लगते हैं, और बताया जाता है कि भगत सिंह जो कि बगल में जा करके वो मिट्टी का ढेर कर लेते हैं और उसके बाद उस पर वो तिनका बोना शुरू कर देते हैं। अब नंदकिशोर मेहता जी का नज़र पड़ता है उस मिट्टी के ढेर पर, तो वो तुरंत भगत सिंह के नज़दीक जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बंदूकें बो रहा हूँ। जब नंदकिशोर मेहता भगत सिंह से प्रश्न करते हैं कि तुम ये बंदूकें बोकर क्या करोगे, भगत सिंह कहते हैं मैं अपने देश की आज़ादी के लिए बंदूकें बो रहा हूँ, मैं दुष्ट अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए बंदूकें बो रहा हूँ। दरअसल बता दूं कि नंदकिशोर मेहता जो कि उसी वक्त भगत सिंह के पिताजी को कहते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बल्कि ये आपका नाम रोशन करेगा और भविष्य में भारत के इतिहास में इसका नाम भी अवश्य दर्ज होगा। और नंदकिशोर मेहता ने भगत सिंह के पिता किशन सिंह से जो कहा था कि आपके पुत्र का एक दिन इतिहास में नाम दर्ज होगा, वो बात एकदम सार्थक सिद्ध हुई। आज के समय में हम लोग भगत सिंह को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, और कहीं ना कहीं भगत सिंह का ये पहला ही वीडियो है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, भगत सिंह का पार्ट 1 वीडियो था। अब इससे आगे मैं बताऊंगा कि भगत सिंह 5 साल के बाद, जब उनका उम्र 5 साल से अधिक हो जाता है, तो फिर उसके बाद उनका क्या क्या इतिहास है, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना जय हिंद। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक इसी तरह आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहो।